हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का जो आपका परीक्षा हुई थी जुलाई 2018 में, तो उसका पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां पर हम जो क्वेश्चंस जो के पॉइंट्स हैं इनको यहां पर बारीकी से समझेंगे, ना कि रटेंगे, ठीक है? क्योंकि रटने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन इस सेशन का। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, सी लैंग्वेज में किस प्रोग्रामिंग विधि का अनुसरण किया जाता है। आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में किस मेथड का यूज किया जाता है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, प्रोसीजरल, बिल्कुल सही है। देखिए, जो आपका एक प्रोसीजरल होता है, ये आपकी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, जो आपका प्रोसीजरल होता है, ये आपका सी हो गया, फॉल्ट्रान हो गया, पास्कल हो गई, जावा हो गया और बेसिक हो गया। इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका ये यूज किया जाता है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, गेटकार फंक्शन किस हेडर फाइल में उपलब्ध है? आपको बताना है जो कि आपका गेटकार फंक्शन है, ये किस हेडर फाइल में है, stdio.h, math.h, conio.h या header.h, बताइए। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर है तो बिल्कुल सही है, stdio.h, यानी std का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है? जो आपका गेटकार है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाली जो हेडर फाइल है stdio.h, इसी में डिक्लेयर किया गया है इसको, ठीक है, डिफाइन किया गया है। जो आपका गेटकार होता है, करता क्या है, बेसिकली ये एक एक करेक्टर को रीड करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको दिया गया है कोड, आपको बताना है कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें कौन सा सही है। देखिए, इसको ध्यान से पॉज वीडियो को कर दीजिए और पहले आप सॉल्व कर दीजिए इसको खुद से। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है आई की वैल्यू -2, प्रिंटेफ -i इक्वल %d -i। देखिए करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -i, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो यहाँ पर -i की वैल्यू प्रिंट होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा -1, तो -i तो प्रिंट होएगा ही, इक्वल %d क्या दिया गया है यहाँ पे, -i, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से ही है और यहाँ पर -2 है, तो -1 -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पर -i=2। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्यों? ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या ऐसी, मान ली हमने लिख दिया यहाँ पर 15, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में प्लस होती है, ना कि यहाँ पर प्लस लगाना पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, -i=2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिया गया, यहाँ पे देखिए, प्रिंटफ परिवर्तन स्पेसिफायर द्वारा किस संख्या प्रणाली का सीधे संचालन नहीं करा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से हम किस नंबर सिस्टम्स का, यानी किस नंबर सिस्टम्स के जो प्रणाली होती है उसको हम लोग एक प्रिंटफ की सहायता से, यानी प्रिंटफ की सहायता से प्रिंट नहीं कर पा सकते हैं। तो बिल्कुल सही, बाइनरी नंबर, जो आपका बाइनरी नंबर होता है आप उसको प्रिंटफ की सहायता से डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते हैं। इसका मीन्स ये है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो आपका 5 है, ये आपका किसमें है, ये आपका डेसिमल में, आप चाहते हैं कि ये वाला नंबर ऑटोमेटिक प्रिंटफ की सहायता से बाइनरी में चेंज हो जाए, तो आप ये नहीं करा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइनरी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत असाइनमेंट स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, क्यों? देखिए, जो आपका दिया गया है n=m=0, तो बिल्कुल सही है। माई साइज इक्वल दिया गया है x < y, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही। जो आपका ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी, इसका मीन्स ये होता है कि आपको वैल्यू में आपको 10 ऐड करना है, तो इसका मीन्स ये होता है। लेकिन जो आपको दिया गया है लास्ट में 10, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल आ गए हैं, अगर ये इक्वल ना लगा होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर दो बार इक्वल आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, बताइए। इंटीजर मेन, इंटीजर x=5, प्रिंट ऑफ %d%d%d, x, left shift 2, x right shift 2। देखिए, अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में ज्ञान होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है, अगर आपसे बात करें लेफ्ट शिफ्ट के बारे में, किसकी, लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट शिफ्ट, इसमें करना क्या होता है बेसिकली। अब देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया x मान कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 वाला ही आएगा, यानी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब इन दोनों में से कोई आएगा, देखते हैं ध्यान से। x left shift 2, इसका शॉर्टकट ये होता है एक्सप्रेशन इंटू 2n। अब देखिए, एक्सप्रेशन को क्या दिया गया है, x दिया गया है, x वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पर आएगा 5, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आ जाएगा 5 × 2n, n कितना दिया गया है, n दिया गया है 2। ध्यान दीजिए, जो आपका ये x है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, और आपका दिया गया है 2, इसको बोलते हैं n, तो n कितना दिया गया है 2, यानी कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, इसका देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से
फोर इंटू फाइव कितना रहेगा, 20। इसमें क्या रहेगा यहाँ से, इस यानी कि इसमें आ जाएगा आपका 20, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए इसको, इसके आगे आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आएगा लेफ्ट शिफ्ट तो आपको लगाना है फॉर्मूला एक्सप्रेशन इंटू टू की पावर एन, अगर आएगा राइट शिफ्ट तो आपको लगाना है एक्सप्रेशन डिवाइड बाई टू की पावर एन, कितना डिवाइड बाई टू पावर एन। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन कितना दिया गया है, एक्स पावर कितनी है, फाइव, यानी फाइव अपॉन टू की पावर एन, एन कितना दिया गया है टू, तो कितना रहेगा टू, तो फाइव अपॉन टू टू जा फोर, कितनी बार जाएगा, फोर वन जा फोर, कितना टाइम गया, वन टाइम गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मिलेगा हमको फाइव, यहाँ से मिलेगा ट्वेंटी और यहाँ से मिलेगा वन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 521, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1.7, आपको बताना है कि आप प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन विच अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। आपको कोई, आपके पास कोई प्रोग्राम है या कोई आपके पास स्टेटमेंट है या स्ट्रक्चर है, अगर आपको वही कई बार प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं लूप स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, लूप स्टेटमेंट। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लूप का मतलब क्या होता है कि कोई, जब आपके पास कोई स्टेटमेंट होते हैं अगर आप उनको बार बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं लूपिंग, जिसको बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं, इटरेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, लूप स्टेटमेंट। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट 1.8, आपको दिया गया है कोड, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। बताइए, आपको प्रोग्राम दिया गया है, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। इंटीजर मेन फॉर इंटीजर सी इक्वल वन, सी इज लेस आर इक्वल देन फाइव, प्लस प्लस सी, ये कौन सा इंक्रीमेंट है, ये आपका है प्री इंक्रीमेंट। क्या है, प्री इंक्रीमेंट। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत है। क्यों, देखिए आपने क्या सोचा होगा, अगर यहाँ पर यह ना लगा होता टर्मिनेटर तो ये आपका सही था, लेकिन यहाँ पर लगा गया है टर्मिनेटर, यानी कि क्या होगा इसमें, क्या होगा, लूप तो चलेगा पाँच बार, लेकिन ये हर बार यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, जो वैल्यू फाइनल में आएगी वही प्रिंट होगी। अब देखते हैं, पहले सी वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव, यानी लूप चलेगा पाँच बार, फिर क्या होगा, यहाँ पे लगा हुआ है प्री इंक्रीमेंट, यानी पाँच वैल्यू क्या हो जाएगी, पाँच से हो जाएगा छः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छः हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो मालूम पड़ा कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब देखिए चूंकि इसमें सी में सिक्स है तो यहाँ पर सी में क्या प्रिंट हो जाएगा, सिक्स प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, सिक्स प्रिंट हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ जाएगा सिक्स। नेक्स्ट 1.9, आपको बताना है कि यदि आप इफ इन सी इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गूमेंट टू अ फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट पास्ड। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, आप वहाँ से एरे को पास कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली में क्या पास करते हैं, तो बिल्कुल सही है अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, आपने कोई बना रखा है एरे 50 साइज का, आपको इस एरे को पास करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से पास कराया तो आप यहाँ पर सिर्फ ए पास कराएंगे, ना कि आप कहेंगे ए आई, क्या करेंगे, सिर्फ आप ए पास कराते हैं, यानी कि क्या, एरे का बेस एड्रेस, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में, आपके यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वाला लेना चाहूँगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। पहले आपको दिया गया है फंक्शन कैन बी कॉल्ड इधर वाई वैल्यू वैल्यू आर रेफरेंस, क्या हम फंक्शन को वैल्यू के थ्रू या फिर रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही, इसमें क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ट्रू सही हो जाएगा। नेक्स्ट अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, क्या हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द थ्री डिक्लेरेशंस करेक्टर डबल पॉइंटर एप्पल, करेक्टर सिंगल पॉइंटर एप्पल एरे एंड करेक्टर एप्पल टू डायमेंशनल एरे, क्या ये सेम है। आपको यहाँ पर तीन डिक्लेरेशन दिए गए हैं, आपको बताना क्या तीनों सेम है, तो बिल्कुल गलत है, ये तीनों सेम नहीं है, क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अ लॉन्ग डबल कैन बी यूज्ड इफ रेंज ऑफ डबल इज नॉट इनफ टू अकम्पटेटेड अ रियल नंबर, मान लीजिए आपके पास कोई रियल नंबर आपको शामिल करना है, वो डबल डबल की रेंज से बाहर जा रहा है, तो क्या आप लॉन्ग डबल यूज कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी रेंज में नहीं आ रहा डबल वाला, अगर वो डबल की रेंज में नहीं आ रहा रियल नंबर, तो आप जाहिर सी बात है आप यहाँ पर लॉन्ग डबल का यूज करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, 2.4 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट मैलोक अलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द हीप एंड नॉट फ्रॉम द स्टैक, आपको बताना जो आपका मैलोक फंक्शन होता है, मैलोक फंक्शन ये जो मेमोरी एलोकेट करता है वो क्या हीप से करता है, स्टैक से नहीं, तो बिल्कुल सही, जो आपका मैलोक होता है वो जो मेमोरी एलोकेट करता है वो हीप से एलोकेट करता है, ना कि स्टॉक से, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट
वाइल कॉलिंग द एफ प्रिंटर फंक्शन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज एस कैन बी यूज टू राइट अ करेक्टर स्ट्रिंग इन कैपिटल लेटर। अगर आप एफ प्रिंटर का यूज़ करते हैं, इस फंक्शन का यूज करते हैं, तो क्या आप परसेंटेज एस स्पेसिफायर के थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग को क्या कैपिटल में प्रिंट करवा सकते हैं? तो बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिए। अगर आपको ये काम करवाना है तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा str upr फंक्शन, जो आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका एक स्ट्रिंग फंक्शन है। ये किस हेडर फाइल में है? ये आपका है string.h हेडर फाइल में डिक्लेयर इसको किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जो आपका एफ प्रिंटर होता है वो किसी भी फाइल में राइट करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग को चेंज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा 2.6। नेक्स्ट, अ यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन अ स्ट्रक्चर। क्या हम एक यूनियन को स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टेड नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन की। तो क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद अ लॉन्ग डबल। आपको बताना है कि हम जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, क्या इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं लॉन्ग डबल में? तो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए। जो आपका ये मॉडुलस होता है, ये आपका सिर्फ इंटीजर में वर्क करता है, ना फ्लोट वर्क करता है। ठीक है, फ्लोट वर्क नहीं करता। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द फाइल टू बी इंक्लूडेड डज नॉट एग्जिस्ट द प्री प्रोसेसर फ्लैशेस एंड एरर मैसेज। अगर मान लीजिए आप कोई हेडर फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी फाइल में, और वो हेडर फाइल जो आपकी है वो एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या जो आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं, क्या वो आपको एक मैसेज देंगी एरर का? तो बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास वो फाइल नहीं है जो आपने इंक्लूड की है अपने प्रोग्राम में, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका एक एरर मैसेज फ्लैश हो जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा, एरर मैसेज आपको वहाँ पर आ जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अ लिंक लिस्ट इन अ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। एक लिंक की गई लिस्ट एक लीनियर डेटा संरचना है, जहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए, इसके आगे जो आपके बचे हुए हैं FIB और मैचिंग, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको नोट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप इस लिंक पर क्लिक करके आपको जानकारी मिल जाएगी। जो आपका ये ऑफर रेट है 157 रुपीज़, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 20 नवंबर तक की है। इसके बाद ये इसका जो ओरिजिनल रेट है उस पर ये आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नोट्स को परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास नोट्स नहीं है। सो इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।